गाइस आज इस वीडियो में हम नोड जेएस के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम इवेंट लूप को इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर सकते हो आप, इवेंट लूप कर लो या फिर नोड जेएस आर्किटेक्चर कर लो, दोनों तरह से ये आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई डायग्राम देखना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसमें आपको डिटेल में समझा सकता हूँ मैं, और यहाँ पे कोई अच्छी मुझे मिलती है तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी इमेज मिल रही है। वैसे तो इसको मैं समझा सकता हूँ आपको इसकी मदद से बड़ी डिटेल में। इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, और ये रही इमेज मेरे पास। अब यहाँ पे देखो यार, कि सबसे पहले ना अगर इसके आर्किटेक्चर को समझना है आपने और समझना है कि इवेंट लूप का क्या काम होता है नोड जेएस में, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यार सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो होता है क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, सर्वर के पास जाती है। अब जो सर्वर हमारा है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, वो PHP में भी हो सकता है, इसी तरह गोलैंग में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो है नोड जेएस में, ठीक है। वो नोड जेएस में बना हुआ है, तो यहाँ पे नोड जेएस के सर्वर की बात कर रहे हैं हम। अब नोड जेएस के सर्वर में क्या होता है कि जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये रिक्वेस्ट जितनी भी हमारी होती हैं, ये यहाँ पे एक इवेंट क्यू होता है उसके पास जारी होती हैं। अब यहाँ पे कितनी भी रिक्वेस्ट हो सकती हैं, एक टाइम पे 10-20 यूजर भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट, तो वो सारी की सारी कहाँ पे जारी होती है, इवेंट क्यू के अंदर। अब इवेंट क्यू के आगे का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे चल रही होती है एक इवेंट लूप। ये क्या करती है, ये एक एक रिक्वेस्ट को यहाँ से उठाती है इवेंट क्यू से और आगे जो है वो पास कर देती है। अब यहाँ पे जो इवेंट क्यू है ना उसको प्रोसेस करती है ये इवेंट लूप। अब यहाँ पे जो इवेंट क्यू है ना उसके अंदर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं। अब ये यहाँ पे इवेंट लूप कैसे डिसाइड करता है कि किस रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करना है, किसको बाद में करना है, और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें चल रही होती हैं फीफो प्रिंसिपल के ऊपर। अब फीफो प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है इवेंट लूप सबसे पहले उसको उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आती है उसी तरह से चलता जाता है। तो इवेंट लूप एक लूप है जो के सर्वर में चल रही है, जो इवेंट क्वी से रिक्वेस्ट उठाती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके यूजर को जो है वो रिस्पॉन्स करती है। अब इवेंट लूप की तो बात हमने कर ली, इतना तो समझ आ गया, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह से प्रोसेस करती है। अब यहाँ पे दो तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, या तो हो सकती है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट या हो सकती है नॉन ब्लॉकिंग। अब जहां पे बात आएगी ब्लॉकिंग की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, और अगर बात आएगी नॉन ब्लॉकिंग की तो यहाँ पे असिंक्रोनस की बात हो रही है। तो जिस तरह से हम पिछले वीडियोस में पढ़ते भी रहे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को, तो इस वीडियो में हम जरा थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसको डिस्कस। जो सिंक्रोनस हमारे पास होते हैं कोड, वो होता है ब्लॉकिंग, और जो असिंक्रोनस होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है। अब यहाँ पे अगर नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है तो ये क्या करता है, ये फौरन से इवेंट टूप क्या करती है, फौरन से रिस्पॉन्स कर देती है। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट जो यूजर ने की है वो है ब्लॉकिंग यानी सिंक्रोनस है, तो उसमें क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी थ्रेड पूल के पास। अब थ्रेड पूल क्या करता है, थ्रेड पूल भी मल्टीपल थ्रेड पूल हो सकते हैं। अब थ्रेड पूल क्या होता है, थ्रेड पूल यार एक आप समझ सकते हो एक वर्कर की तरह है, कि जो एक रिक्वेस्ट को, मतलब जो भी एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें एक थ्रेड पूल की जरूरत होती है। अब हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक एक थ्रेड पूल चाहिए हमें। अब थ्रेड पूल क्या होता है, कहाँ से आते हैं, वैसे तो सिंपल मैंने आपको ये समझा दिया कि यार थ्रेड पूल एक वर्कर की तरह जो हमारे पास सिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है उनको प्रोसेस कर रहा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डेटाबेस, फाइल सिस्टम, कंप्यूटेशन जैसे, तो अलग चीज है, लेकिन अभी हमने ज्यादा इवेंट लूप को समझने पे जोर देना है। तो यहाँ पे बात कर रहा था सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। क्या सिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग, ये तो फौरन से रिस्पॉन्स कर देता है, लेकिन जब बात आती है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मीन ब्लॉकिंग की, तो वहां पे ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए इवेंट लूप को एक थ्रेड पूल की जरूरत होती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार ये थ्रेड पूल आपके सर्वर में कितने हैं, तो इसके लिए जो भी आप सर्वर ले रहे हो रेंट पे उससे पता चलेगा कि उसके अंदर कितने कोर हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे मैं आकर देखता हूँ, और ये आप चेक कर सकते हो यार, OS मॉड्यूल एक होता है रिक्वायर करके उसको, कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो कितने कोर का है, तो उसी हिसाब से चलेगा। अभी जो मेरा सर्वर है वो लोकल सिस्टम के ऊपर चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वर बनाएंगे तो उसमें ये चीजें डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे हम। अब अगर मेरा जो लैपटॉप है वो 8 कोर है, इसका मतलब है कि ये जो मेरा सर्वर है एक टाइम के अंदर 8 रिक्वेस्ट जो सिंक्रोनस होंगी उनको प्रोसेस कर सकता है। अब इससे ज्यादा अगर बढ़ती है तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो हमारा सर्वर है उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है और वो स्लो हो जाता है या फिर क्रैश भी कर सकता है।
तो ये जो है ये बात हमारे इवेंट लूप और थ्रेड पूल को लेके, इसमें हमने ये भी समझा कि इवेंट क्यू क्या है, इवेंट लूप क्या है और थ्रेड पूल क्या है। सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है यूजर, वो इवेंट क्यू के अंदर आती है। इसके बाद इवेंट लूप यहाँ पे चल रही होती है, वो एक एक रिक्वेस्ट करके उठाती है और देखती है कि ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है वो ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग। अगर नॉन ब्लॉकिंग है तो फौरन से उसको रिस्पॉन्स कर देती है, और अगर ब्लॉकिंग है तो उसके बाद उसको थ्रेड पूल के पास भेजती है। थ्रेड पूल में एक वर्कर उसको असाइन कर दिया जाता है और वो वर्कर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा होता है। तो बस यही बात थी, यही कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी थी इस वीडियो में। और यहाँ से आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा जो कोड है वो ज्यादा यूज करना है, सिंक्रोनस करना है या फिर असिंक्रोनस करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यही बात की थी, सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस को हमने देखा था। तो उसमें भी ज्यादातर जो वर्ड जा रहे थे वो असिंक्रोनस के साथ ही थे, लेकिन असिंक्रोनस का थोड़ा सा जो इश्यू होता है वो ये होता है कि इसका डेवलपर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसका कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं होता। आप इसके साथ यूज टू हो जाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। खैर इतना भी मुश्किल नहीं है, फिर भी हम ज्यादातर असिंक्रोनस कोड का ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना HTTP सर्वर बनाएंगे, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।